हेलो गाइस, तो गाइस आज हम बात करेंगे मार्वल डीसी हॉलीवुड गेम से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में, और इस वीडियो में हर एक टॉपिक में हाईलाइट अपडेट भी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफी ज्यादा कमाल का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मार्वल के कैप्टन मार्वल 2 के अपडेट के बारे में। तो कैप्टन मार्वल 2 ऑफिशियली कनेक्ट होगी एवेंजर 5 से। जी हाँ, ये भी हाल ही में अपडेट आया कि आपको कैप्टन मार्वल डायरेक्ट कनेक्ट देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले इससे पहला क्लू मिल जाता है कि कैप्टन मार्वल जब रिलीज होगी तो उसके बाद हमें एवेंजर्स मूवी देखने को मिलेगी, और इसका सिंपल एग्जांपल है क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ था, पहले 2019 में क्या हमें कैप्टन मार्वल देखने को मिली और फिर उसके बाद एवेंजर्स देखने को मिली। तो सिंपल वो इसी पैटर्न को कॉपी करना चाहते हैं नेक्स्ट फेज 4 में, कैप्टन मार्वल 2 फिर उसके बाद एवेंजर्स 5, तो ये काफी अच्छी चीज है। देन उसी के साथ अब बात करते हैं गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के डायरेक्टर के बारे में। उन्होंने काफी सारे अपडेट दिए हैं अपकमिंग फीचर से रिलेटिव गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम। तो फाइनली उन्होंने बताया है कि वो पहला अपडेट जो दिया था कि वो काम कर रहे हैं इस मूवी के स्क्रिप्ट पर और स्क्रीन प्ले पर। जी हाँ, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है और घर से वो बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि हर एक डायरेक्टर जब कोई स्क्रिप्ट लिखता है तो वो घर से बाहर निकल के ही स्क्रिप्ट लिखता है, फ्रेश माइंड में बिल्कुल। देन उसी के साथ उन्होंने दूसरा अपडेट ये दिया कि वो इसका चौथा पार्ट नहीं बनाएंगे, वो इंटरेस्ट नहीं है इसके चौथे पार्ट बनाने के लिए। देन थर्ड अपडेट उन्होंने ये दिया कि इस मूवी में कोई कैरेक्टर मर सकता है, और मेरे हिसाब से पर्सनली वो रॉकेट है, और आपको इसकी पूरी डिटेल जाननी है तो आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा। देन उसी के साथ उन्होंने जो फोर्थ अपडेट दिया वो ये अपडेट दिया था कि इस मूवी में एक कैरेक्टर का काफ़ी बड़ा रोल हो सकता है, वो है करेन का। जी हाँ, जो कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का अब एक मेंबर है, और देन उनका अब इस मूवी में काफ़ी बड़ा रोल होने वाला है। तो देखते हैं कि इनका क्या रोल होगा और फ्यूचर से रिलेटेड और क्या क्या अपडेट आएंगे। देन उसी के साथ जेम्स गन ने इंस्टाग्राम पे एक ऑफिशियली फैमिली फोटो डाली गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मेंबर की। ये तब की फोटो है जब मार्वल का एक कोलैब 10 ईयर्स का फोटो क्लिक हो रहा था, तो उसी दौरान ये फोटो क्लिक करी गई। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में। तो सॉन्ग ची के डायरेक्टर ने एक फैमिली पिक अपलोड करी कास्ट के साथ, जी हाँ, जिसमें कि वो सैमुएल भी बैठे हुए हैं जो कि सॉन्ग ची का कैरेक्टर प्ले करेंगे, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। लेजेंड सीरीज में फीमेल एवेंजर्स के टॉयज़ को एक साथ इकट्ठा कर एक फुली कलेक्शन टॉय बनाया है। जी हाँ, अगर जो फैन है वो उनको खरीद सकता है। देन उसी के साथ ब्रूस जो कि इविल डेड के बेस्ट एक्टर हैं, उन्होंने की मूवी लाजवाब है, वो डेस्टिनी 2 में पॉसिबली विलन का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। मार्वल फ्यूचर फाइट एक गेम है जिसमें एलेना और रेड गार्डियन का कैरेक्टर दिखाया है, जो कि कॉन्सेप्ट आर्ट शूट भी रिवील कर दिया गया है। देन उसी के साथ बकी बांस यानी कि सेवेस्टर ने रिवील करा है कि वो अब एक बड़ी मूवी के इंतजार में है, यानी कि उनका कहने का मतलब था एवेंजर्स 5। और उसी के साथ एवेंजर इन्फिनिटी वॉर का एक न्यू कॉन्सेप्ट आर्ट देखने को मिला, जिसमें कि वो अपना इन्फिनिटी गॉडलाइन यूज कर रहा है। तो ये ऐसा सीन दिखाया नहीं गया था मूवी में, पर इसमें देखने को मिल रहा है। सैमली जो कि सॉन्ग ची के एक एक्टर हैं, उन्होंने अभी हाल ही में ग्रीन लैंटर्न से रिलेटिव एक कॉन्सेप्ट आर्ट डाला, पर फैन ने काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं ट्विटर पर। देन उसी के साथ फैन पोस्टर लॉन्च करा है स्पाइडरमैन होम अलोन का, जिसमें कि स्पाइडरमैन घर बैठ के अखबार पढ़ रहा है और सारी न्यूज़ को देख रहा है, तो बेचारा क्या करे, घर से बाहर भी नहीं जा सकता। अब बात करते हैं डीसी यूनिवर्स से रिलेटेड कमाल के अपडेट के बारे में जो कि रिसेंट में अभी आई हैं। तो गाइस बात करते हैं सबसे पहले लीगो बैटमैन के अपडेट के बारे में। तो लीगो बैटमैन मूवी जब रिलीज हुई थी तो इंग्लिश में रिलीज हुई थी, आज तक ये हिंदी में रिलीज नहीं हुई है। उसी के साथ अपडेट ये आया कि इसका ये सेकंड पार्ट बन सकता है, तो मूवी काफ़ी कॉमेडी की, देखना जरूर लगा आप डीसी फैंस हो। जेम्स गन जो कि सुसाइड स्क्वाड के डायरेक्टर हैं, जब उन्होंने ये मूवी ली थी तो उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि वो अब दूसरी मूवी पर काम करेंगे, यानी कि डीसी की सुसाइड स्क्वाड के बाद। और उन्होंने ये भी चीज़ क्लियर करी कि सुसाइड स्क्वाड डीसीयू की टाइमलाइन में एंटर करती है, यानी कि वो उसका एक पार्ट है, जोकर की तरह नहीं। और इसी के साथ आपके लिए खुशखबरी कि जोकर ऑफिशियली प्राइम वीडियो पे आ चुकी है इंग्लिश और इंग्लिश सबटाइटल में, तो हिंदी में अपडेट जैसी आएगा अमेजन प्राइम खुद ऑफिशियली अनाउंस कर देगा और मैं तो आपको बताई दूंगा। उसी के साथ टॉम जो कि डीसी की नई अपकमिंग डीसी मूवी आ रही है जिसका नाम है न्यू गॉड्स, वो उसमें ऑफिशियली काम कर रहे हैं, उन्होंने हाली में रिवील्ड करा। देन उसी के साथ वंडर वुमन का ऑफिशियली नया लुक लॉन्च हुआ है, जिसमें कि वो अपने वेपन से चीता से लड़ती नजर आ रही हैं, पर उसे वो बच गई। जी हाँ, आप देख सकते हो कितना खतरनाक लग रहा है, और देन उनका कॉस्ट्यूम उनका लुक काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको ये फुल एचडी में डाउनलोड करने हैं तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपने अभी तक नहीं फॉलो करा है तो जाके फॉलो करो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। देन उसी के साथ एक नया अपडेट आया जैक स्नाइडर की तरफ से। तो जैक स्नाइडर ने अभी हाल ही में एक ड्रॉइंग डाली है सुपरमैन की, और इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि डायरेक्टर कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं पर कोई उनकी मेहनत को नहीं समझता है और सारी चीज़ें डिलीट मार देता है। तो जैक स्नाइडर वास्तव में मूवी बहुत बढ़िया बनाई थी। उसी के साथ कैंडी जो कि बर्ड्स ऑफ पेरी का एक नया लुक लॉन्च करा है उनका हेयर स्टाइल का, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं हॉलीवुड अपडेट्स के बारे में। तो हॉलीवुड का सबसे बड़ा अपडेट का अब तक तो यही है कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन ऑफिशियली कैंसिल हो चुका है, और ये होगा अब 2021 में। पर मार्वल ने यहाँ पे ये अनाउंस करा है कि वो
सारे एपिसोड और जितने भी अपडेट्स हैं वो लाइव आकर करेगा। तो देखते हैं क्या होता है फैंस, ये आपके लिए खुशखबरी है। और देन आपको मैं बता दूं, कोई भी मतलब इंडिया से जा तो नहीं सकता देखने के लिए, तो आप घर पे लाइव देखोगे तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो गाइस मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसी के बाद जेनिफर लोपेज की एक मूवी आ रही है, द गॉड मदर। जी हाँ, ये मूवी ऑफिशियली सर नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकती है, पर मूवी ड्रग्स से रिलेटेड है और मैं जेनिफर लोपेज का बहुत बड़ा फैन भी हूँ। देन उसी के साथ 007 यानी कि जेम्स बॉन्ड की एक बिहाइंड द सीन इमेज आई है सामने, जिसमें कि वो खड़े हुए हैं और देन पीछे शूटिंग भी का काम चल रहा है। और देन द बॉयज की एक और बिहाइंड द सीन इमेजेस जो कि बहुत ही कमाल की लग रही है। इसका सीजन 1 जैसी हिंदी में कोई अपडेट आएगा तो गाइस मैं आपको ऑफिशियली बता दूंगा, पर अभी फिलहाल सेकंड सीजन आने वाला है। ग्रीन हॉर्नेट ऑफिशियली रिबूट हो रही है। जी हाँ, अगर आप किसी ने मूवी ये नहीं देखी है तो गाइस जाके देखो, इसका पहला रिबूट वर्जन भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। देन उसी के साथ क्लोन वॉर जो कि एक स्टार वॉर्स की यूनिवर्स की ही मूवी है, इसका जो लास्ट सीजन आया है वो रिवेंज सिथ से कनेक्ट हो रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इससे फैंस के लिए खुशखबरी ये है कि आराम से टाइमलाइन कनेक्ट हो रही है। और एक बैड न्यूज़ आज की सबसे बड़ी, जिन्होंने टॉम एंड जेरी देखा है उसके जो लेजेंडरी क्रिएटर हैं वो अब नहीं रहे हैं। जी हाँ, कल उनका देहांत हो गया और टॉम एंड जेरी उन्हीं ने बनाया था। तो ये मेरी बचपन की मेमोरी और मेरे को आज इसका जानकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। अब बात करते हैं गेम के अपडेट के बारे में जो कि गेम्स खेलते हैं। तो सबसे पहले GTA फैंस के लिए खुशखबरी है कि GTA का 6th पार्ट भी बन रहा है। जी हाँ, रॉकस्टार कंपनी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो GTA का 6th पार्ट भी बनाएंगे, जिसमें कि हमें बेहतरीन ग्राफिक देखने को मिलेंगे और जो कि लॉन्च होगा Xbox One पर और एक्स और PlayStation 5 पर। जी हाँ, तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये गेम कैसा होने वाला है। अब बात करते हैं कैपकॉम कंपनी की तरफ से, तो वन ऑफ दी बेस्ट माई फेवरेट गेम Resident Evil 4 ऑफिशियली रीमेक वर्जन बन रहा है। जी हाँ, मुझे मालूम है ये इसकी टक्कर तो नहीं ले पाएगा, पर रीमेक वर्जन भी बेस्ट होता है और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और आपको बता दूँ कि Resident Evil की पूरी सीरीज में सबसे बेटर गेम माना जाता है Resident Evil 4, और मैंने इसका कंटिन्यूस 15 बार एंड करा है, जो कि बेहतरीन गेम है। देन उसी के साथ एक रूमर आया है कि Resident Evil कोड वेरोनिका भी कभी रीमेक बनेगा, जो कि फ्यूचर में होगा, पर फिलहाल अभी रूमर है, कोई ऑफिशियली ऐसा कंफर्म नहीं है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।